जो होता है किस्म का, और इसमें जो दिख रहा है ये आपका लाइटिंग, इसको बोलते हैं लाइट, इसको हमने टेस्ट किया। उसके बाद जो आता है वो आप देखिए, इसको जो बोलते हैं ये जो लाइन जा रहा है तो बोलते हैं मिड लाइन। तो जो पहले पैर जो लाइन है ये है 190 और ये है 0। ये दोनों लाइट में स्कैन होता है। पहला लाइट है 190, सेकंड पोजिशन है 0। आप 0 में भी कर सकते हैं, 190 में भी कर सकते हैं। ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं आईएसओ सेंटर। ये जो मिड लाइन और फर्स्ट जो लाइन है, ये लाइन का जो जॉइंट है इसको बोलते हैं आईएसओ सेंटर। ये वाला भी जो जॉइंट है इसको बोलते हैं ये भी वाला आईएसओ सेंटर। लेकिन और एक चीज़ है, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये पेशेंट फील्ड अप एंड डाउन फील्ड लाइटिंग, जिसमें आपको देखना है पेशेंट कितने ज़्यादा टेबल ऊपर है टेबल नीचे है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर तो उसमें पेशेंट का जो स्कैन है यहाँ पे ठीक से नहीं आता है, और थोड़ा नीचे आया तो ये भी नहीं आता। आपको देखना है पेशेंट की जो लाइट है, ये पेशेंट की जो बॉडी है जिस पार्ट में कैन स्कैन होगा उसको बीचों बीच रहना चाहिए, तभी आपका स्कैन ठीक से आया। और एक चीज़, जिस पार्ट का आपका स्कैन करना है का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहीं से शुरू होता है। ये जो आईएसओ सेंटर से यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है जो आईएसओ सेंटर। मेरे पास और एक चीज देखिए, इसमें होता है ये जो वाला दिखा है, इसकी ये लाइट ऑफ हो गया, इस बार फिर से लाइट ऑन हो जाएगा। ये जो है टेबल मूवमेंट का बटन, 1 2 3 ये टेबल मूवमेंट का बटन, तो इसमें ये वाला पोर्शन है स्लोली चलेगा टेबल। ये देखिए अब टेबल स्लोली, अगर आपको चाहिए तो जल्दी टेबल को मूव करना है तो आप ये वाला ठीक है, ये वाला प्रेस कीजिएगा, जल्द से टेबल आपका अंदर की तरफ जाएगा। और ये वाला है वो वाला बाहर निकालने के लिए, ये धीरे धीरे से बाहर निकलेगा। आप चाहे तो उसको जल्द से भी निकल सकता है, ये वाला प्रेस करके, ये वाला प्रेस की तो बाहर से निकल आएगा। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये है 190। देखिए 190 जो जिसमें फास्ट वाला लाइन आता है, ये फास्ट वाला लाइन है। और इसमें जो दिख रहा है ये वाला है, ये वाला 0, इसकी यानी मतलब आपका सेकेंड वाला लाइन। जब भी आपको स्कैन करना है वो आपको 190 और 0 दोनों में भी कर सकते हैं, लेकिन 190 से आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजेस आता है। और जो 0 है, 0 में कोई कैलकुलेशन नहीं आता है, वो आपका जो आई और सुपीरियर और इंफीरियर का जो पोजिशनिंग आता है वो सेम ही रहेगा। लेकिन 190 में जब आपका स्कैन करना है तभी आपका कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होता है। लेकिन और एक चीज़ आपको जानना है, वो है जब भी आपका एफिनेसी होगा तभी आप 0 में एफिनेसी करिए, सिटी गाइडेड जो एफिनेसी होता है। क्योंकि इसमें जो एक चीज़ आता है, आपका जब भी एफिनेसी होगा यानी आपका लंग्स का जब एफिनेसी होता है उसमें आपको मिडिल आपका बॉडी का अंदर जाएगा, तभी आपका जो रेडियो जो पैथोलॉजिस्ट है वो आता है। इसमें आपको जो पोजीशनिंग का जो
कैलकुलेशन आया और उसको आपको बोलना होता है क्या है इसका। जब ये 190 में स्कैन कीजिएगा तभी आपको 190 से जो जिसका भी जिस पार्ट में आपका स्कैन हुआ है जिस पार्ट में आपका पैथोलॉजिकल जो कलेक्शन होगा उसमें आपको वो जो लोकेशन है वही लोकेशन से आपको 190 जो लोकेशन है 190 लोकेशन से जितने भी पोजिशनिंग जहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन होगा उससे माइनस करना है। कागज कीजिए 190 से आपका एस 20 आप एस 265 आपका पोजिशनिंग आया है पेशेंट का, तभी आपको करना क्या है 265 माइनस 190। जब भी आपका एक कैलकुलेशन आ जाएगा उसका जो सेंटरिंग लाइन है वही वाला है आपका सेंटरिंग लाइन, वही पोजिशन पे आपका पैथोलॉजी जो लांग के जो पैथोलॉजी लांग यानी बॉडी में जो कोई डिवाइड होता है वही हिसाब से आपका आपका जो नीडल अंदर जाना होगा अंदर दिया जाएगा, तभी आप पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपका जो कलेक्शन है बॉडी के अंदर वो से लिए ले सकता है। आप जीरो पे कीजिएगा तो जो भी आपका पोजिशनिंग सेंटर रहेगा वही आपका पोजिशनिंग सेंटर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको ख्याल रखना है आप जब भी स्कैन कीजिएगा वो जीरो पे ही स्कैन कीजिएगा, क्या है इसमें आपको कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपसे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा।